गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं या स्क्रॉल करते हुए जिनको मेरा चैनल मिला है, तो उनको मैं बता दूं कि अभी जो हमारा बैच स्टार्ट हो रखा है वो है बीपीएससी एंड ईएमआरएस का। जितने भी कॉमन टॉपिक्स हैं उनको हम साथ में लेते हुए चल रहे हैं। थ्योरेटिकल क्लास हो चुकी है, ईएमआरएस की लगभग थ्योरेटिकल क्लास हो चुकी है, एमसीक्यूज चल रहे हैं, एंड जो बीपीएससी है उसके कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, क्योंकि हमने जैसे ही आज मॉर्निंग में एनसीईआरटी का सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें कुछ टॉपिक्स के नाम आए थे। उन्हीं में से एक टॉपिक है डीएचटीएमएल, उसको आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। डीएचटीएमएल एंड सीएसएस, ये दो पोर्शन है। अभी हम डीएचटीएमएल का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। अगर बाई चांस आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, तो वो इंट्रोडक्टरी पार्ट से ही देखने को मिलेगा, जिससे कि आप उसको इजिली कवर कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मेरा नाम है चैलशा, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो यहाँ पे देखिए डीएचटीएमएल। अब डीएचटीएमएल के बारे में थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, तो वो देखो कि क्योंकि उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिर्फ थ्योरेटिकल हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो अब डीएचटीएमएल होता क्या है, सबसे पहली बात तो है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड यहाँ पे डी एड हो गया है, इसका मतलब क्या है, डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म हमें पता चल गई। अगली बात, किसने इंट्रोड्यूस किया था भाई, माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। किसके साथ इंट्रोड्यूस किया था, तो ये भी देख लो कि विद द रिलीज ऑफ फोर्थ वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का फोर्थ वर्जन आया था उसके साथ DHTML क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस या रिलीज हुआ था। कब आया था, 1997 में आया था। ठीक है, कितनी बातें पता चली, फुल फॉर्म पता चली हमें, डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। किसके साथ आया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर के फोर्थ वर्जन के साथ आया था, 1997 में ये आया था। ठीक है, अब देखो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये आपको पता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे कि क्या DHTML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो नहीं, DHTML ना तो कोई मार्कअप लैंग्वेज है ना ही वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस पॉइंट को ध्यान से रखना कि DHTML ना ही मार्कअप लैंग्वेज है और ना ही ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो फिर ये क्या है, सॉरी तो चलिए देखिए, तो डायनामिक HTML एक्चुअली में है क्या। डायनामिक HTML जो है DHTML, उसके अंदर ना कुछ वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी जो होती है, मतलब कि कुछ टेक्नोलॉजी के फीचर्स उसमें कंबाइन कर दिए गए हैं। DHTML क्या है, DHTML एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजीज के, कुछ वेब टेक्नोलॉजी के फीचर्स को कंबाइन किया गया। क्यों कंबाइन किया गया, जिससे कि आप एक क्रिएटिव या एक डायनामिक इंटरैक्टिव वेब पेज बना सके। अब देखो जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है HTML, वो भी वेब पेज डिजाइन करती है, सबसे बेस्ट लैंग्वेज है वेब पेज डिजाइन करने की, लेकिन वो स्टैटिक वेब पेज डिजाइन करती है। स्टेटिक का मतलब क्या हुआ कि एक बार जो बन गया वो बन गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो DHTML है वो क्या करती है, आपको एक डायनामिक वेब पेज क्रिएट करने में हेल्प करती है। डायनामिक वेब पेज क्या होता है, जिसमें आप रन टाइम पे भी क्या कर सके हो, चेंजेस कर सकते हो, जिसके अंदर आप यूजर जो है उसके अंदर चेंजेस कर सके। ठीक है, वो होती है एक डायनामिक HTML वेब पेज, डायनामिक वेब पेज, समझ में आया। तो डायनामिक HTML क्या हो गया, कंबाइंस द फीचर्स ऑफ वेरियस वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेज डायनामिक एंड इंटरेक्टिव। ये जो एक लाइन है ना, इसी को समझने की जरूरत आपको, इसी लाइंस को तोड़ मरोड़ करके कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस लाइन को एक बार समझ लेना। ठीक है, अब DHTML में एक्चुअली में किसका कॉम्बिनेशन है पूछ लिया जाए, तो HTML एंड JavaScript का। किसका कॉम्बिनेशन है ये, HTML एंड JavaScript का। इतना आपको समझ में आया। अब चलिए बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की। DHTML के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो टोटल 4 कंपोनेंट्स या 4 लैंग्वेजेस होती है।
कौन कौन से होते हैं वो? एक है HTML 4.0, या जो भी HTML का वर्जन चल रहा है, अभी फिफ्थ चल रहा है तो HTML 5 हो जाएगा, ठीक है। CSS, JavaScript, DOM, ये चार क्या है आपके DHTML के कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट है या कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। ये वर्जन है तो जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा उसका नाम यहाँ पे आएगा। चलिए इन चारों के बारे में एक थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। HTML 4.0, इसके बारे में काफी अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक क्लाइंट साइड मार्कअप लैंग्वेज है। देखो दो साइड होती है, एक सर्वर साइड एक क्लाइंट साइड। सर्वर साइड लैंग्वेज में जो सर्वर के ऊपर जितना भी डेटा है उसमें चेंज करे, एंड क्लाइंट साइड जो है क्लाइंट के कंप्यूटर पे क्लाइंट के ब्राउजर पे चेंजेस करे, ठीक है। तो ये एक क्लाइंट साइड मार्कअप लैंग्वेज है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये DHTML का, क्या काम करने को होता है, वेब पेज डिजाइन करते हैं। इसी के अंदर आप अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो कि आपका वेब पेज कैसा दिखेगा, तो वो क्या हो गई आपकी HTML हो गई। टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया था। दूसरी बात करें CSS की, नेक्स्ट क्लास में हम CSS के बारे में भी थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे देखो CSS की फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का काम क्या होता है? CSS जैसे नाम से पता चल रहा है स्टाइल शीट। ये क्या करता है, जो आपका वेब पेज है जिसको आपने HTML के हेल्प से डिजाइन किया है, तो उस वेब पेज में जितने भी HTML के एलिमेंट्स होते हैं उनके लेआउट को उनके स्टाइल को कंट्रोल करना, किसका काम है ये? CSS की हेल्प से ये चीज होती है। For controlling the style and layout of the HTML on the web page. आप इतना समझ सकते हो कि जो web page होता है उसके अंदर अगर आपको जो उसकी style वगैरह है उसको control करना है तो आप CSS का use करेंगे। अब next यहाँ पे कौन सा नाम आता है? JavaScript का। देखो एक Java language है और ये JavaScript है, दो अलग अलग चीजें हैं ये। JavaScript एक scripting language है जो कि client side पे होती है। Important बात है, क्या बात है कि क्लाइंट साइड के ऊपर ये लैंग्वेज परफॉर्म करती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जितने भी ब्राउजर है या मैं कहूं कि ज्यादा से ज्यादा ब्राउजर है वो इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। DHTML यूजेस द जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी। क्यों यूज करती है DHTML इसको? फॉर एक्सेसिंग कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिंग द HTML एलिमेंट्स, ठीक है। देखो CSS जो है वो HTML जो एलिमेंट्स है उनकी स्टाइल को कंट्रोल कर रही थी, ठीक है, वो स्टाइल को कंट्रोल करती है, लेकिन जो JavaScript है इसकी हेल्प से आप एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। ये किसकी हेल्प से होगा? JavaScript की हेल्प से, जो कि क्लाइंट साइड के ऊपर होती है। अब जावास्क्रिप्ट जो है इसके अंदर आप जितनी भी लाइंस लिखोगे जिनको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं वो क्या होती है? कमांड्स होती है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप जो स्टेटमेंट को मेंशन करते हो उनको हम क्या कह रहे हैं? कमांड्स कहते हैं, जो ब्राउजर को ये बताएगी कि क्या काम करना है, क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ये कौन बताएगा? ये वो स्टेटमेंट वो कमांड ब्राउजर को बताती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट समझ में आया। उसके बाद आता है DOM, फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और इट इज ए W3C स्टैंडर्ड, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम स्टैंडर्ड, विच इज ए स्टैंडर्ड इंटरफेस ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर HTML। ये जो DOM होता है ये आपका HTML में भी यूज होता है, XML में भी यूज होता है, ठीक है। किस लिए यूज होता है? फॉर डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन HTML। ये एक लाइन है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। डायरेक्ट लाइन दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये किसका काम है, ठीक है। तो इट इज मेनली यूज्ड फॉर जो भी आपके एलिमेंट्स है उन सब के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना, प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना, ये किसका काम है? DOM का काम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। इतना आपको समझ में आया।
अब उसके बाद देखिए, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो वीडियो को दो बार देखना, एक बार स्लो में देखना जो ओरिजिनल स्पीड है, नॉर्मल स्पीड है, और अगर समझ में आ जाए तो एक बार फास्ट ट्रैक करके देखना, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की, DHTML के क्या क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहला तो यही है कि भाई डायनामिकली आप वेब पेज को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक फीचर है डायनामिक स्टाइल का। डायनामिक स्टाइल का मतलब क्या हुआ कि हम जो वेब पेज है उसके कंटेंट को कलर, फॉन्ट, साइज, ये सब क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। वेब पेज का क्या, कंटेंट का क्या चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज कलर, आप स्टाइल से समझ सकते हो कि भाई डायनामिक स्टाइल की बात हो रही है, तो वो आप चेंज कर सकते हो। थर्ड क्या है यहाँ पे, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर यूजिंग द इवेंट्स, मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। रीयूजेबिलिटी का भी एक फीचर है यहाँ पे, कोड रीयूजेबिलिटी, जो आपने C++ में याद हो इनहेरिटेंस देता है, वही यहाँ पे एक फीचर है, वो भी ये यूज करता है। उसके बाद एक फीचर है इसके अंदर डेटा बाइंडिंग का। नेक्स्ट फीचर कौन सा है आपका, डेटा बाइंडिंग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे यूजर कैन इजीली क्रिएट डायनामिक फॉन्ट्स। ये वही बात हो रही है कि आप स्टाइल चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप डायनामिक फॉन्ट क्रिएट कर सकते हो फॉर देयर वेबसाइट और वेब पेजेस। यूजर्स कैन इजीली चेंज द टैग एंड देयर प्रॉपर्टीज विद DHTML। चेंजेस अकर एंटायरली ऑन द क्लाइंट साइड। ध्यान रखना कि ये एक पूरी तरह से क्लाइंट साइड या क्लाइंट बेस्ड लैंग्वेज हो रहा है, तो जितने भी आप चेंजेस कर रहे हो वो आपकी साइड पे चेंज हो रहे हैं, यूजर के ब्राउजर पे चेंज हो रहा है। दी वेब पेज फंक्शनैलिटी इज एनहेंस्ड बिकॉज द DHTML यूजेस लो बैंडविड्थ इफेक्ट। याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगी हाई बैंडविड्थ इफेक्ट और लो बैंडविड्थ इफेक्ट, तो DHTML आपका लो बैंडविड्थ इफेक्ट को यूज करता है। DHTML helps to exactly position any element in the window and change that position after the document has loaded. अब इस बात को समझो, जब आप HTML में क्रिएट करते हो, वेब ब्राउजर पे आपने उसको रन किया, अब आप उसमें किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो एक स्टैटिक वेब पेज है। लेकिन DHTML के अंदर आप लोड होने के बाद भी अपने क्या कर सकते हो, एलिमेंट की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। इट कैन हाइड एंड शो कंटेंट एज नीडेड। चलिए, इतना समझ में आया। अब बात करेंगे यूजेस ऑफ DHTML, क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहला यूज आता है कि भाई आप एनिमेटेड एंड इंटरेक्टिव वेब पेज डिजाइन कर सकते हो, एनिमेटेड टेक्स्ट एंड इमेजेस को यूज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में, पेजेस के अंदर इफेक्ट्स ऐड करना, ड्रॉप डाउन मेन्यूज क्रिएट करना, ब्राउजर बेस्ड एक्शन गेम्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, पॉपअप मेन्यूज क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे क्या हो गए आपके DHTML के यूजेस हो गए। अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि HTML और DHTML में क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस है ये, HTML आपकी एक सिंपल मार्कअप लैंग्वेज है, DHTML ना तो मार्कअप लैंग्वेज है ना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए क्या है, ये सिर्फ एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ वेब डेवलपमेंट होता है। HTML में हम क्या करते हैं, फॉर डेवलपिंग एंड क्रिएटिंग वेब पेजेस, और DHTML क्या करता है, DHTML उन्हीं वेब पेजेस में एनिमेटेड और इंटरेक्टिव इफेक्ट्स को क्रिएट करना, डिजाइन करने के लिए यूज होता है। HTML आपकी स्टेटिक वेब पेज क्रिएट करती है, DHTML डायनामिक क्रिएट करती है। HTML जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कोड उसके अंदर नहीं होता, लेकिन DHTML के अंदर हम मेक की बात कर रहे हैं कि हो भी सकता है, यहाँ पे तो पूरी तरह से ही मना हो गया, लेकिन इसके अंदर चांसेस है। एक्सटेंशन की बात करें तो .htm और .html एंड यहाँ पे .dhtm रहेगा। HTML में देखो, ए सिंपल वेब पेज विच इज क्रिएटेड बाय ए यूजर विदाउट यूजिंग द स्क्रिप्ट और स्टाइल्स। HTML में एक सिंपल अगर आप वेब पेज क्रिएट करते हो, नॉर्मली नोटपैड या टेक्स्ट एडिटर में जब आप लिखते हो,
तो आप ना तो उसके अंदर कोई स्क्रिप्ट यूज करते हो, ना ही स्टाइल यूज करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप DHTML की बात करें तो उसके अंदर आप HTML यूज कर रहे हो, CSS, DOM एंड JavaScript टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हो। HTML में कोई भी डेटाबेस कनेक्टिविटी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन DHTML के अंदर आपको क्या चाहिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। इतना हमें समझ में आया। अब यहाँ पे एक मेथड आता है, ये एक मेथड है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन, ये एक फंक्शन होता है। अब जो जावास्क्रिप्ट है आप उसको DHTML के अंदर यूज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। आप उसको हेड टैग में भी यूज कर सकते हो और बॉडी टैग में भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन आ जाए कि जावास्क्रिप्ट कोड को आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, HTML, बॉडी या बोथ या नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे बोथ आपका आंसर रहेगा, हेड और बॉडी टैग दोनों में आप यूज कर सकते हो। थर्ड यहाँ पे देखो, इफ यू वॉन्ट टू एड द एक्सटर्नल सोर्स फाइल ऑफ जावास्क्रिप्ट, अगर आप जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल सोर्स फाइल, देखो दो फाइल हो गई, एक इंटरनल फाइल मतलब कि आप उसी के अंदर अपनी फाइल को क्रिएट कर रहे हो, एक क्या है आपने पहले से कोई फाइल बनाई हुई है आप उसको सीधा वहां पे यूज करना चाहते हो, वो हो गई आपकी एक्सटर्नल सोर्स फाइल। कैसे यूज करोगे, सिंपली SRS एट्रीब्यूट की हेल्प से हम उसको यूज करेंगे। अब ये जो फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन मेथड, ये क्या काम करता है, राइट सी आउटपुट टू ए वेब पेज, ये फंक्शन आपकी आउटपुट को वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा देखो जावास्क्रिप्ट कोड कैसे एंटर कर रहे हैं, HTML हेड टाइटल हो गया, टाइटल क्लोजिंग, हेड क्लोज, बॉडी क्लोज, रूट एलिमेंट आपका HTML है यहाँ पे, ठीक है। बॉडी के अंदर हमने सिंपली क्या लिख दिया, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो इसलिए स्क्रिप्ट यहाँ पे टैग आएगा, टाइप इज इक्वल टू किस टाइप है, एट्रीब्यूट टाइप है यहाँ पे, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शन यूज कर लिया, ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट का है इसीलिए आप स्क्रिप्ट के अंदर यूज कर रहे हो, ठीक है। स्क्रिप्ट यहाँ पे जो टैग है उसके अंदर हमने इसको यूज किया, एंड जावा टी पॉइंट क्लोज करो, बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज किया, आउटपुट में क्या डिस्प्ले करेगा, जावा टी पॉइंट यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये क्या था, हमारी छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने DHTML का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा। नेक्स्ट क्लास में CSS को देखेंगे, एग्जाम में क्या पता आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। क्लासेस अच्छी लगती हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू।